नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक तिवारी है, कॉर्निया कैटरेक्ट और लेजिक सर्जन। लेजिक सर्जरी होने के बाद पेशेंट्स हमसे प्रिकॉशंस के बारे में पूछते हैं। वो जानना चाहते हैं कि अब हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लेजिक सर्जरी के बाद हम क्या क्या प्रिकॉशंस पेशेंट्स को बताते हैं जो उनको लेने होते हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, लेजिक सर्जरी ओवरऑल एक बहुत ही क्विक और क्लीन प्रोसीजर है। इसमें आपकी कॉर्निया के ऊपर एक फ्लैप क्रिएट किया जाता है। शुरुआत के कुछ दिनों में फ्लैप के डिसलोकेट होने का खतरा रहता है, इसीलिए कुछ प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो लेजिक सर्जरी होने के बाद आपको अपनी आँखों को बिल्कुल भी रब नहीं करना है, टच नहीं करना है। हम आपको एक प्रोटेक्टिव गॉगल देते हैं, आपको पूरे टाइम वो गॉगल पहन के रखना है। एटलीस्ट 3 से 4 दिन तो वो गॉगल आपको कंटिन्यूसली पहन के रखना है। लेजिक सर्जरी वाले दिन आँखों से पानी गिरना, आँखों में लाल रहना, आँखें जलन होना, ये बहुत ही आम बात है। कुछ पेशेंट्स को इससे काफ़ी एंजाइटी होती है, तो हम उनको एक एंटी एंजाइटी टैबलेट भी दे के रखते हैं, अपना फ़ोन नंबर दे के रखते हैं। हम आपको कुछ आई वाइप्स देते हैं, आपको उससे आपकी आंखों को क्लीन करना है। आप अपनी आंखों को नीचे नीचे क्लीन कर सकते हैं। पुतली को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, कॉर्निया को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। हम आपको कुछ ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें कि एक एंटीबायोटिक ड्रॉप होती है, एक टॉपिकल स्टेरॉयड ड्रॉप होती है और एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप होती है, और उसको डालने का तरीका एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, लेजिक सर्जरी में पहले दिन आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बादल में से या फिर पानी में से देख रहे हैं, लेकिन अगले दिन विजन आपका 6-6 या फिर एब्सोल्युटली क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट डे से आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप का काम, मोबाइल का काम, स्कूल कॉलेज एट्सेट्रा। लेकिन आपको कोई भी आंखों के ऊपर आईलाइनर, मेकअप का इस्तेमाल एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए नहीं करना है। लेजिक सर्जरी के पहले हफ्ते हम आपको यहाँ से नीचे नहाने को बोलते हैं। आपको अपनी आंखों को पानी से और चोट से बचाना होता है, आपको बालों को नहीं धोना होता है। हम आपकी कुछ विजिट शेड्यूल करते हैं। जनरली हम पहली विजिट लेजिक सर्जरी के अगले दिन रखते हैं, दूसरी विजिट हम एक हफ्ते बाद रखते हैं, और तीसरी विजिट जनरली 3 से 4 हफ्ते में शेड्यूल करते हैं। खाने पीने का ऐसा कुछ भी परहेज नहीं होता है, आप कुछ भी खाना खा सकते हैं। कई बार पेशेंट्स का एक सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, क्या हमें अंधेरे में रहना है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको अंधेरे में नहीं रहना है। आप नॉर्मल लाइट में रह सकते हैं, जो भी आपके रूम में लाइट है या फिर आपके आसपास जो भी लाइट है, आप उसमें बिल्कुल सेफली जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो है कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है, साहब हम अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी को कब रिज्यूम कर सकते हैं, हम जिम कब जा सकते हैं? देखिए, करीबन 1 या 2 हफ्ते बाद आप अपनी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या जिम को रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहनें, क्योंकि आँख को चोट से जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चंस हैं लेजिक को लेके, लेजिक के प्रिकॉशंस को लेके, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं।